नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यवतमाल सिटी और मैं हूँ आपका दोस्त मंगेश। और दोस्तों, आज मैं आया हूँ यवतमाल के प्रसिद्ध मूर्तिकार अक्षय ताइडे इनके मूर्तिकला केंद्र में। और देख सकते हैं आप, यह जो चित्र में आपको दिख रहे हैं वीडियो में, यह अक्षय जी ताइडे है और खूब खूबसूरत मूर्तियाँ बनाते हैं, बहुत ही खूबसूरत। आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत काम है मूर्ति का बाकी, वह कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ बनाते हैं। और मैं आपको आगे उनके सारी मूर्तियाँ बता देता हूँ एक एक करके। आप देख सकते हैं पूरे मूर्ति जो है वह तैयार हो चुके हैं पूरी तरह से। देखिए साड़ी वगैरह और जो साजे है, देवी का श्रृंगार है, सब हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत देवी जच रही है। शेर भी देखिए कितना खूबसूरत है दोस्तों, बहुत ही भयावह दिख रहा है वो। सुंदर पेंटिंग की है अक्षय बहुत आइडिया ने इसकी। और देख सकते हैं आप देवी के चेहरे पर, मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए कितना खूबसूरत चेहरा है देवी का, बहुत ही खूबसूरत, देख सकते हैं आप दोस्तों। तो मैं आपको पूरी देवी भी बता देता हूँ, देखिए। और अब मैं पास चलता हूँ, देवी का चेहरा आपको पास से बताता हूँ स्लो मोशन में दोस्तों। देखिए कितना खूबसूरत चेहरा है देवी का, एक एक बारीक बारीक कारीगरी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से की है। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर। और आपको अगर यह देवी बहुत पसंद आए तो एक कमेंट ज़रूर कर देना अक्षय बहुत आइडिया के लिए, उससे उनको प्रेरणा मिलेगी और अच्छी नई मूर्तियाँ बनाने के लिए दोस्तों। देखिए, और अब अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और अगली देवी है, देखिए यह शेर है, देखिए शेर कितना भयावह है, शेर दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत इसकी पेंटिंग की है अक्षय बहुत आइडिया ने, आप देख सकते हैं। और देवी की पोजीशन भी इसकी बहुत खूबसूरत है, एक पैर बाजू में करके देवी बैठी हुई है, बहुत खूबसूरत दिख रही है अभी देवी, देख सकते हैं आप। देखिए सब देवी की कारागिरी बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। और श्रृंगार हो चुका है देवियों का, देखिए बहुत ही खूबसूरत, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है देवी है, आपको कैसी लगी आप जरूर बताएं। देखिए स्लो मोशन में आपको देवी का चेहरा बता रहा हूँ, बहुत खूबसूरत चेहरा है। देखिए बहुत पास से कारागिरी देखिए कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर। और पिछला जो अक्षय बहुत आईडी का मैंने वीडियो बनाया था, उसको आपने बहुत अच्छे कमेंट किए थे और उसकी वजह से अक्षय बहुत आईडी बहुत खुश हुए थे आपके कमेंट देखकर। इस बार भी आप उनको अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए, आपको अगर देवी अच्छी लगी तो। और आप अगले देवी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए देवी नीचे बैठे हुए अवस्था में दिख रही है आपको, और शेर बाजू में है देवी के, देखिए शेर और बाजू में देवी है नीचे बैठी हुई, आप देख सकते हैं। देखिए सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, देख सकते हैं आप। और यह वीडियो मैंने HD देने का प्रयास किया है, क्योंकि आपको कारागिरी अक्षय बहुत आईडी की दिखनी चाहिए, मूर्तिकार की कला आपको एक एक दिखनी चाहिए, इसलिए देख सकते हैं इस पोजीशन से देवी बहुत ही खूबसूरत, थोड़ी हल्की सी स्माइल है देवी की चेहरे पर और बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हो स्माइल की वजह से, आप देख सकते हैं। और अब हम अगले देवी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अक्षय बहुत आईडी जो पार्ट होता है देवी बनाने का, उसको भी बहुत खूबसूरत डेकोरेट करके देते हैं। देखिए ऐसा लग रहा है देवी गद्दे पर विराजमान है, देखिए मखमल के। और श्रृंगार भी बहुत खूबसूरत डेडिकेट किया है, डेकोरेट किया है, बहुत खूबसूरत। और ये आखिरी देवी है अक्षय बहुत आईडी की, देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह श्रृंगार करते हैं देवी का यहाँ, देखिए। और आज की अक्षय बहुत आईडी की इन देवी आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट करें, आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और ऐसे मेरे चैनल को आप प्यार देते रहिए।
धन्यवाद दोस्तों।